अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह उर्दू में बोलते हैं और आपको इंग्लिश में लिखा हुआ जवाब मिलता है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी ऐप जिसमें आप उर्दू में बोलेंगे और वो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ जवाब देगी। तो दोस्तों अपनी वीडियो पर जाने से पहले हमारे चैनल IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे आप और उससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको सिंपल अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है, यहां पे टैप करना है दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर। जी हां दोस्तों, इसके अंदर आपने टैप करना है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल प्ले स्टोर के अंदर लिखना है गूगल ट्रांसलेटर और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, जो सबसे टॉप पे शो हो रहा है, जिसके आइकॉन पे ऊपर जी लिखा हुआ है, ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप गूगल ट्रांसलेट के नाम से है, आइकॉन के ऊपर जी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको और भी बहुत सी गूगल ट्रांसलेट के नाम से या गूगल ट्रांसलेटर के नाम से मिल जाएंगी, जो या तो फेक हो सकते हैं या आपके डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं देगी। तो दोस्तों ये सबसे टॉप वाली जो है बहुत अच्छी ऐप है, इसको इंस्टॉल करें। मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, आप भी इसको ट्राई करिए। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपने नहीं किया तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूं। दोस्तों हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो गई इसको ओपन करने से, तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेट, इसके लेफ्ट पे तीन लाइनें बनी हुई हैं, जिसका मतलब होता है ऑप्शन। तो हम इस ऑप्शन वाली तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज खुलता है, जिसमें सेकेंड लास्ट सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे टॉप पे है टैब टू ट्रांसलेट, टैब टू ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, इसको इनेबल कर देंगे और जहां सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है प्रेफर्ड लैंग्वेज, इन दोनों में हमने उर्दू कर देना है। प्राइमरी लैंग्वेज में भी उर्दू कर देना है, लैंग्वेज दैट यू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफ्टन इसको भी उर्दू ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों वापस आते हैं, स्पीच इनपुट पे क्लिक करते हैं। स्पीच इनपुट में इन तीनों को आपने ऑन करना है, स्पीक आउटपुट ब्लॉक वाला और ये रिकॉग्नाइज, इन तीनों को ऑन करने के बाद हम सबसे लास्ट पे चले जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ उर्दू। यहाँ पे हमने तीन हमारे सामने आ रहे हैं ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट रीजन उर्दू इंडिया, उर्दू पाकिस्तान, तो हमने उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो उर्दू इंडिया पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद वापस हम जाते हैं, क्या ये हमारी ऐप्स वर्किंग भी कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों हम वॉइस का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे, कैम का बना हुआ है, एक जगह पे पेन बना हुआ है, आगे दो डबल निशान है वॉइस के, फिर लास्ट पे राइट पे जो सबसे एंड पे आइकॉन बना हुआ है वॉइस लिखा हुआ नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस, जी हाँ दोस्तों, तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो गई है, जिसके ऊपर ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है स्पीक नाउ उर्दू। ये जो ब्लू कलर का आइकन है इसको वॉइस का आइकॉन भी कहते हैं और इसको मैक भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें लॉन्ग प्रेस करके बोलना होगा, जो भी बोलना है उर्दू में हम बोलेंगे लॉन्ग प्रेस करके तो ये हमें इंग्लिश में जवाब दे देगा। तो दोस्तों इसको ट्राई करते हैं, हम लॉन्ग प्रेस करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने इसे कहा पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो उसने हमें इंग्लिश में लिखा हुआ जवाब दे दिया है, देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। देखें दोस्तों आपके सामने है, उसने इंग्लिश में हमें जवाब दे दिया है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वापस अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और दोबारा वहाँ उस मैक के बटन को प्रेस करते हुए दोबारा कुछ और बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने बोला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसने हमें इंग्लिश में लिखा हुआ दे दिया सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दोस्तों ये आपके सामने है, बहुत ही इजी है, आप भी इस ऐप्स को यूज़ करें और हमारे चैनल IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को देखते रहें। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।